हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नेहा और आपका द जिस्ट टाइम यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए भारतीय जनजाति से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं उन्हीं को इस वीडियो में शामिल किए हैं, जो आपकी परीक्षा के लिए बेहद इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में 2 से 3 बार रिपीट हो चुके हैं। इसलिए इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर से जरूर देखिएगा। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति में पुरुष स्त्री के समान गहने पहनते हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आपको अपने प्रत्येक क्वेश्चन के आंसर को सोचने के लिए 5 सेकेंड का समय देंगे। अगर आपको 5 सेकेंड से ज़्यादा का समय चाहिए तो वीडियो को वहीं रोक करके आंसर सोच सकते हैं, उसके बाद हम आपको उसका आंसर बताएंगे। तो चलिए कमेंट सेक्शन में आंसर देने के लिए तैयार हो जाइए। डोमर जनजाति में पुरुष स्त्री के समान गहने पहनते हैं। और दोस्तों, आपको बता दें कि डोमर जनजाति राजस्थान में निवास करती है, इसलिए सही आंसर है सी, डोमर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत की सबसे प्राचीन जनजाति कौन सी है। भारत की सबसे प्राचीन जनजाति जारवा जनजाति है। यह जनजाति अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह 5000 साल पुरानी जनजाति है, इसलिए सही आंसर है डी, जारवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति ऋतु प्रवास करती है। भोटिया जनजाति ऋतु प्रवास करती है, इसलिए सही आंसर है सी, भोटिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बनियान इरुला जनजाति का निवास क्षेत्र क्या है। बनियान इरुला जनजाति का निवास क्षेत्र केरल है, इसलिए सही आंसर है सी, केरला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जातियों की न्यूनतम प्रतिशतता कहाँ पाई जाती है। उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जातियों की प्रतिशतता की दृष्टि से अनुसूचित जाति जनसंख्या वाले जनपद बागपत है, इसलिए सही आंसर है सी, बागपत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से नीलगिरी की पहाड़ियों पर निवास करने वाली जनजाति कौन सी है। नीलगिरी की पहाड़ियों पर निवास करने वाली जनजाति टोडा जनजाति है, इसलिए सही आंसर है सी, टोडा जनजाति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में थारू जनजाति कहाँ पाई जाती है। उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी में थारू जनजाति पाई जाती है, इसलिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खरवार जनजाति कहाँ निवास करती है। खरवार जनजाति उत्तर प्रदेश के देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, मिर्जापुर एंड सोनभद्र जिले में निवास करती है। तो दोस्तों, ध्यान रखिएगा, सही आंसर है डी, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेपचा जनजाति कहाँ निवास करती है। लेपचा जनजाति सिक्किम में निवास करती है। दोस्तों, याद रखिएगा, भूटिया जनजाति भी सिक्किम में निवास करती है, इसलिए सही आंसर है सी, सिक्किम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी जनजाति गरबा नृत्य करती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गरासिया जनजाति गरबा नृत्य करती है। गरबा गुजरात में प्रचलित एक लोक नृत्य है। आजकल इसे पूरे देश में आधुनिक नृत्य कला में स्थान प्राप्त हो गया है। तो दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, सही आंसर है सी, गरासिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति घूमर नृत्य करती है।
भील जनजाति घूमर नृत्य करती है। यह जनजाति मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात में पाई जाती है। इसलिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग सही आंसर है ए, भील। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जातियों की जनसंख्या देश की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार देश की कुल जनसंख्या का लगभग 16.6% अनुसूचित जातियों की जनसंख्या है। इसलिए सही आंसर है सी, 16.6%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? इन चारों में सही आंसर है बी, लद्दाख चांगपा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जनजातीय समूह सुमेलित नहीं है? सही आंसर है डी, हिमाचल प्रदेश डफला। यह सही सुमेलित नहीं है। फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, हिमाचल प्रदेश में डफला जनजाति नहीं बल्कि गद्दी जनजाति पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति कुडुक भाषा बोलती है? संथाल जनजाति कुडुक भाषा बोलती है। यह झारखंड में निवास करती है। इसलिए सही आंसर है बी, संथाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति समूह का युग्म सही है? सही आंसर है ए, हिमाचल प्रदेश गद्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति समूह गोंड का है। इसलिए सही आंसर है बी, गोंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति डांडिया नृत्य करती है? टोडिया जनजाति डांडिया नृत्य करती है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह जनजाति गुजरात राज्य में निवास करती है। इसलिए सही आंसर है ए, टोडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सरहुल उत्सव कौन सी जनजाति मनाती है? सरहुल उत्सव मुंडा जनजाति मनाती है। यह जनजाति झारखंड में निवास करती है। इसलिए सही आंसर है बी, मुंडा जनजाति। दोस्तों ध्यान रखिएगा, सरहुल का शाब्दिक अर्थ होता है साल की पूजा। सरहुल त्योहार धरती माँ को समर्पित है। इस त्योहार के दौरान प्रकृति की पूजा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में एक भी जनजाति नहीं पाई गई थी? दोस्तों ध्यान दीजिएगा, 2011 की जनगणना के अनुसार पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पुडुचेरी राज्य में कोई भी जनजाति नहीं पाई गई थी। इसलिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही आंसर है सी, हरियाणा। फ्रेंड्स इस तरह से आज की इस वीडियो में भारतीय जनजाति से जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए थे हमने इस वीडियो में डिस्कस कर लिए हैं। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि नेक्स्ट आने वाली सभी वीडियो आसानी से मिल जाएं। हम आपसे अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।